विधानसभा मॉनसून सत्र का तीसरा दिन आज समाप्त हो चुका है। सत्र की शुरुआत से ही हनुमान चालीसा से लेकर तमाम तरह की चीजें हुई। हम विधायक बिरंची नारायण से ही जानते हैं क्या कुछ हुआ। नहीं, जो हमारे विषय थे नियोजन नीति रद्द करो या जो नमाज के लिए कक्ष बनाया गया था यहाँ पे विधानसभा के अंदर अलॉट किया गया था, उसे रद्द करने का काम इन्होंने नहीं किया, तो उसको लेकर आज दिन भर विधानसभा में आंदोलन होता रहा और बहुत ही हठधर्मिता दिखाई है सरकार ने। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने हम लोग की बात नहीं सुनी, कल फिर हम लोग इस विषय पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद भी अगर बात नहीं बनेगी तो न्यायालय के शरण में जाएंगे। क्या लगता है हनुमान चालीसा का पाठ जो सीढ़ियों में पढ़ा गया कितना उचित था? देखिए, सवाल उठता है कि जब सरकारें गूंगी और बहरी हो जाएं, जब विधानसभा हम लोगों की बातों को अनसुना करे, तो हनुमान चालीसा का पाठ तो शमशान घाट में भी लोग करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। भगवान को याद करने के लिए कोई स्थान विशेष की आवश्यकता थोड़ी है। तो दो दिन का सत्र बचा हुआ है, विपक्ष नियोजन नीति और तमाम मुद्दों को लेकर सदन पे आएगी। हमारा और आपका सबका अस्तित्व श्री राम से है, जब वही नहीं रहेंगे तो हम और आप कहाँ रहेंगे।